आगामी 7 मई गुजरात राज्य ने पंचायत सेवा वर्ग 3 नी तलाटी कम मंत्री नी परीक्षा योजवाई छे। बोटा जिला में कुल 25 सेंटर्स छे, आमा 9060 उम्मेदवार छे। बोटा जिला में जो परीक्षा लेवनार छे अने एक कलाकनी परीक्षा छे, 12:30 से 1:30 तक परीक्षा योजाए छे। अमारे पास 302 वर्गखंड छे, बधा वर्गखंड में सीसीटीवी कैमरा नी उपलब्धि छे अने पूरा वर्किंग कंडीशन में अत्यारे सीसीटीवी कैमरा लगाया छे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट से हमने 28 बोर्ड प्रतिनिधि, उतने ही संख्या में हमने 28 सीसीटीवी कैम ऑब्जर्वर अने परीक्षा सेंटर के संचालक का भी हमने निमणूक कर दिया है। पुलिस की तरफ से एक PSI अथवा ASI कक्षा नी अधिकारी रहेशे, साथ ही साथ 2 मेल और 2 फीमेल या तो पुलिस कांस्टेबल वर्ग का या फिर हेड कांस्टेबल का प्रावधान हमने किया है, तो फ्रिस्किंग माटे भी कोई इशू ना आवे इसका भी हमने ध्यान रखा है। परीक्षा सेंटर के 100 मीटर के आसपास कोई भी जेरोक्स मशीन या फिर फैक्स मशीन या फिर लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध है, और हम मोबाइल या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या फिर साहित्य कोई कर्मचारी या फिर उम्मीदवार अंदर लेकर आवान नहीं दे, ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक थाए इसके लिए भी हम सबसे आशा रखते हैं। जिला कक्षा में जिला तिजोरी अधिकारी ने कचहरी में हमने स्ट्रॉन्ग रूम का भी उपस्थिति किया है। यहाँ से सभी साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आने वाले 7 तारीख को, और अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के रूल्स का कोई उल्लंघन करे तो उनका 3 साल तक उनका केदनी सजा हो सकती है और अप टू 1 लाख उनका दंड भी हो सकता है। और अगर परीक्षा में जो अधिकारी या फिर कर्मचारी हाजिर है उनका उनके द्वारा कोई रूल्स की उल्लंघन थे तो उनको 1 करोड़ तक का भी दंड हो सकता है, और साथ में 5 to 10 years तक का भी उनका कैदी का सजा हो सकती है। और जिला कक्षा में अभी कंट्रोल रूम कार्यरत है, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी अभी चालू है, उसका नंबर है 02849271550 02849271550। जिला वहीवटी तंत्र से सभी उम्मीदवारों को शुभेच्छा, और हम आशा करते हैं कि इस वक्त एग्ज़ाम बहुत शांतिपूर्वक हो जाए।